हाले तक दलील हुई नहीं की लगता कि सिर्फ साड़ी संबंधी मुहिम 12 साल तो चल रहा अभी तो अपना पक्ष हाले शुरू है। डॉक्टर साहब दौरा संविधान रखा जा सकता पार्टी वालों इसमें थानू किन्ने क्या दौरा रखा जिहड़ा पार्टी का कहना फैसला तुसीं करना अदालत ने करना हाले तो जी अपना पक्ष ही नहीं रखा हूँ तक 12 साल हो गए उन्होंने अपना पक्ष रखा जो साडा पक्ष आएगा उदों असीं कोर्ट च रखांगे। पूरे मामले को लैके अज की अज जिहड़ा कोर्ट च पेशी सीगी उत्थे डॉक्टर कीमा साहब पेश होए ने और जिहड़ा दूजा पक्ष हैगा जिहड़ा कंप्लेनेंट पक्ष है उन्होंने एप्लीकेशन की हैगी है लिस्ट ऑफ विटनेस अजे दिती है गवाह कोई पेश नहीं किया गवाही कोई पेश नहीं की तो आने वाले समय देखांगे कि गवाही पेश करते हैगे है जिवें जिवें वो गवाही देणगे उस हिसाब नाल असीं उन्हूं डिफेंड करांगे। हुण अगे 22-23 तरीक जिहड़ी है वह निश्चित की है कोर्ट ने वो उन्हां दी गवाही वास्ते है कंप्लेनेंट की गवाही नहीं पाई असले जिहड़ी सुनवाई केस दी उह अजे ही होणी सी और क्योंकि परसों बड़े बादल साहब सर प्रकाश सिंह बादल होर ने उन्होंने वकीलों ने सैशन जज तो जमानत मंजूर करवा ली थी उन्होंने कहा कि अदालत ने भी दो मार्च तो पहला पहला तू सरेंडर कर वो फिर कल उन्होंने टाइम कढ़ के सरेंडर कर गए इतने रौनक लगी तुसी इतने नजारे ही सी भी बल्ले बल्ले हो गई सोशलिस्ट पार्टी की साड़ी जेडे के उमस असी इन चिर तो रले हुए हैं हुण बकायदा ट्रायल शुरू होना पहला अदालत ने इन्हां नूं प्राइमा फेशी दोषी करार दिता सी अपने फैसले हुण जेडे गवाहां दा जेड़ा हैगा 22 तारीख नूं जेड़े गवाह आ श्रोमणी अकाली दल सैकटरी बराड भारत सरकार दा जेड़ा चोण कमीशन दा नुमाइंदा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन दा नुमाइंदा डायरेक्टोरेट गुरुद्वारा इलेक्शन दिल्ली दा नुमाइंदा और असी जेड़े ओम सिंह स्टेण और बलवंत सिंह जेड़ा साडे लगातार बयान करके दो तीन महीने बीच उन्होंने सजा मिलने दी। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਲੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸਰ ਕਦੋਂ ਪੈਗੀ? ਅਗਲੀ ਪੈਗੀ ਜੀ 22 ਮਾਰਚ।